आज TVZ में 20% का मूव आया, हम ये देखेंगे कि क्या चार्ट्स पे कोई सिग्नल थी जिससे हमें पता चल सकता था पहले से कि इस तरह का मूव जो है वो आ सकता है, एक बड़ा मूव आ सकता है, इसका अंदाज़ा लग सकता था कि कोई सिग्नल्स हैं, कोई सिग्नेचर्स, प्राइस के सिग्नेचर्स या वॉल्यूम के सिग्नेचर्स कुछ भी ऐसे हैं जिससे हमें पता चले कि इस तरह का मूव जो है किसी स्टॉक में आ सकता है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो इस तरह के बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये देखोगे यहाँ पर TVZ का, फ्रेंड्स ये TVZ का हम लोगों ने डेली चार्ट खोल के रखा है, और इस डेली चार्ट पे आप देखो कि यहाँ पर ये बड़ी कैंडल जो है वो 20% मूव इस कैंडल पे है, और यहाँ पर पहले भी एक बार जो है 13% की मूव आ चुकी थी। तो हम कैसे रेडी हो इस 20% के मूव को कैप्चर करने के लिए? देखिए, ये हमारा टेम्पलेट है जो कि हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में अपने मेंटीज को देते हैं, और इस टेम्पलेट से हमें उन प्राइस एक्शन के सिग्नेचर्स का पता चलता है जिससे हम इस तरह के बड़े मूव्स को कैप्चर करने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो तीन चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ इस टेम्पलेट पे तो जनरली हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ये जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये रेड डॉट्स हमारे, हम इसे कहते हैं फुटप्रिंट्स ऑफ द बिग प्लेयर्स, राइट? तो इसे मैं बिग प्लेयर फुटप्रिंट बोलता हूँ। तो इससे पता चलता है कि स्टॉक को लगातार जो है वो एक्यूमुलेट किया जा रहा है, लगातार स्टॉक में एक्यूमुलेशन आ रही है, और लगातार स्टॉक में बड़ा पैसा जो है वो घुस रहा है, राइट? तो पहले हम ये देखते हैं कि किसी स्टॉक में, जिस स्टॉक में भी अगर हमें इस तरह का फुटप्रिंट्स मिलता है, किसी स्टॉक में भी अगर हमें इस तरह के सिग्नेचर्स मिलते हैं, तो वो स्टॉक हम रेडी हो जाते हैं, हमारी वॉचलिस्ट में वो स्टॉक आ जाती है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। तो यहाँ पर आप देखो, हम लोगों ने यहाँ पर इसका ट्रेंड जो है, पीछे आप देखोगे बैकग्राउंड जो है ग्रीन हो गई है, तो ये ग्रीन बैकग्राउंड हमें बताती है कि ये जो ट्रेंड है अब ये बाय ट्रेंड में आ गया है, राइट? कि अब आप जो है डिप्स पे बाय कर सकते हो, राइट? ये हमारा क्लाउड बना हुआ है, ये मूविंग एवरेजेस हैं, और ये दोनों जो है वो अलग अलग मूविंग एवरेज जो हम यूज़ करते हैं सपोर्ट को ढूंढने के लिए या ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, राइट समय बाय करने का, जो हर जगह आप बाय नहीं कर सकते, राइट समय होना चाहिए बाय करने का, ठीक है? ये स्मार्ट मनी खरीद रही है, हम जानते हैं कि ठीक है स्मार्ट मनी का पैसा इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन एक सही पे ऑफ आना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड का। तो वो पे ऑफ हम कैसे ढूंढते हैं? वो पे ऑफ के लिए कुछ सिग्नेचर्स होते हैं हमारे। सबसे पहला सिग्नेचर होता है, ये जो होता है कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नेचर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्राइस जो है अब वो ओवरहीटेड नहीं है, प्राइस जो है ओवरहीटेड नहीं है, प्राइस जो है शांत हो चुकी है। जितनी ये जो शार्प बाइंग की वजह से जो मूवमेंट आई थी, वो प्राइस को एक बार ऊपर की तरफ ढकेल देती है, तो प्राइस अब शांत हो चुकी है, अब हमारे लिए प्राइस जो है वो रेडी हो चुकी है, प्राइस जो है एप्ट हो चुकी है खरीदने के लिए। साथ साथ ये देखिए, ये हमारे मूविंग एवरेज के पास भी आ जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड, ये देखिए हमारा ये स्टोकास्टिक इंडिकेटर हम लोगों ने बना रखा है, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफाई किया है इसकी सेटिंग्स को। तो ये स्टोकास्टिक इंडिकेटर देखिए ऑलमोस्ट जो है 20 के पास आता है, और हमें एक तरह से सिग्नल देता है कि यहाँ पर जो है ओवरबॉट जो कंडीशंस थी मार्केट की वो रिलैक्स हो चुकी है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे, ये ब्लू डॉट्स भी हमें कभी कभी दिखने लग जाते हैं चार्ट्स पे, जो कि हमें बोलते हैं कि यहाँ पर जो है प्राइस अब रेडी हो रही है मूव के लिए। तो जो भी चीज़ें हैं हमें अपने ट्रेड के बारे में, हमें इन सब सिग्नल से पता चल जाता है, और ये सब सिग्नल्स जो होते हैं एक एक्स्ट्रा कन्विक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं अपने ट्रेड्स को टाइम करने के लिए, और उससे ज़्यादा अब ऑफ कोर्स ये आपको सिग्नल नहीं दे रहे हैं कि कब आपको बाय करना है, ये आपको ना सिग्नल दे रहे हैं कि कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपको ये भी नहीं बता रहे हैं कि क्या पोजीशन साइज आपको लेनी है, ये सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं, सिर्फ आपको रेडी कर रहे हैं कि ये जो स्टॉक है इनमें इतनी चीज़ जो है वो बन रही है, तो ये स्टॉक जो है वो आपके वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। अब देखिए, ये मूव के पहले आप यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने ये अपना जो हमारी जो बेस क्वालिटी होती है, बेस की क्वालिटी होती है, उसकी हम लोगों ने यहाँ पर सेटिंग्स कर रखी है। तो इस मूव के पहले मैं आपको जस्ट ये रीप्ले बटन दिखाता हूँ, जिससे मैं ये मूव, आज की मूव को हटा देता हूँ, और आप यहाँ पर देखोगे जो बेस की क्वालिटी है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देखोगे कि जो है बेस की क्वालिटी सब फेवरेबल हो चुकी है, राइट? यहाँ पर हम लोगों को दिखा रहा है कि बेस की क्वालिटी फेवरेबल है, तो ये हमें एक्स्ट्रा कन्विक्शन और देता है जो हमें बताने के लिए कि यहाँ पर बेस रेडी है। ये हमारा एक AI पावर्ड, ये हमारा एक फीचर है जो कि हमें कौन सा सेटअप यहाँ पर लेना है वो हमें रेकमेंड करता है, और साथ ही साथ हमें
कितना मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉप लॉस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स ये भी मैक्सिमम स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स हम या तो स्विंग के नीचे लेते हैं या कैसे भी कैलकुलेट करके लेते हैं, लेकिन ये हमें ये बताता है कि इससे ज़्यादा आप इस ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो है ये एक पूरा हम लोगों ने टेम्पलेट बना दिया है अपने प्रोग्राम में, जिससे ये टेम्पलेट आपको असिस्ट करता है सही तरीके से अपने ट्रेड को टाइम करने के लिए। बाइंग की डिसीजन आपकी होती है, कितनी क्वांटिटी लेनी है उसकी डिसीजन आपकी होती है, ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है उसकी डिसीजन आपकी होती है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो डिसीजन आपकी होती है। ये आपको सिर्फ असिस्ट करता है, ये आपको सिर्फ बताता है कि जो कंडीशन है वो फेवरेबल हो रही है। और देखिए ये हमारी वीकली वॉच लिस्ट है और इस वीकली वॉच लिस्ट में हमारे ये स्टॉक हमारे वीकली वॉच लिस्ट में था, जो कि हम अपने वीकली वॉच लिस्ट में स्टॉक को रख के रखे थे। और भी स्टॉक हमारे वीकली वॉच लिस्ट में, आप देखिए मार्केट इतना वोलेटाइल होने के बावजूद भी हमारा वीकली वॉच लिस्ट है जो ऑलमोस्ट ग्रीन है। तो ये वीकली वॉच लिस्ट जो है हम अपने मेंटीज को देते हैं, जिससे वो ये देख सके कि क्या चीज़ है जो उनको देखना है, क्या चीज़ है जो उनको ध्यान रखना है स्टॉक सिलेक्शन करते के समय। तो फ्रेंड्स ये जैसे मैंने कहा ये टेम्पलेट जो है हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का पार्ट होता है। तो अगर आप मास्टर ट्रेडर के बारे में जानना चाहते हैं और या आप मास्टर ट्रेडर को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और आप मास्टर ट्रेडर के प्रोग्राम के पूरी डिटेल जान सकते हैं। राइट, बेस्ट ऑफ लक।